सतगुरु नानक प्रगटया मिटि तुंद जग चानन सतगुरु नानक प्रगटया मिटि तुंद जग चानन छपे अंधेर पलो तारे छपे अंधेर पलो सतगुरु नानक प्रगटया मिटि तुंद जग चानन हो सतगुरु नानक प्रगटया मिटि तुंद जग चानन हो सतगुरु नानक प्रगटया मिट्टी तुंद जग चानन होया यानी सतगुरु नानक के जन्म के साथ धुंध छट गई और जग में उजियारा हुआ। गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाश पर्व और गुरु पर्व के रूप में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस पर्व का संदेश है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, सबका ईश्वर एक है। भ्रम और अज्ञान से दूर रहने का संदेश दिया। वो चाहते थे कि हर जगह प्रेम और भाईचारा हो। समाज में फैली रूढ़ियों और कुसंस्कारों का हमेशा ही उन्होंने विरोध किया। वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने आंतरिक साधना पर बल दिया। नानक साहेब एक महान दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उनकी भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी, संस्कृत और ब्रिज भाषा का मेल है। गुरु नानक साहिब का जन्म 15 अप्रैल 1469 को उस समय के पंजाब के ननकाना साहिब की तलवंडी में हुआ। ये स्थान अब पाकिस्तान में है। बालक नानक बचपन से ही प्रखर बुद्धिवान थे। उन्होंने भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया। उन्होंने संदेश दिया कि स्त्री जाति का आदर करना चाहिए, कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, अपने हाथों से मेहनत कीजिए, लोभ को त्याग दीजिए, न्यायोचित साधनों से धन का अर्जन करना चाहिए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परोपकार के लिए और अपने समय का अधिकांश हिस्सा प्रभु स्मरण में लगाना चाहिए। अहंकार मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता। अंततः अहंकार कभी नहीं करना चाहिए और विनम्र होकर सेवा भाव से जीवन गुजारना चाहिए। मनुष्यता का ऐसा आला दर्जे का संदेश देने वाले इस संत के जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है और ये अपने नाम को पूरी तरह सार्थक करता है, क्योंकि उन्होंने अहंकार में डूबी मानवता को नई रोशनी दी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज आपां सारे ही संगत रूप दे विच गुरु नानक साहब जी का 553वां आगमन पर्व मना रहे हैं। जिथे भी संगत ये मीडिया राही साड़ी आवाज़ सुन रही होवे, भावें वह गुरद्वारा रकाबगंज साहब के विच है, भावें हिंदुस्तान के किसी कोने ची, वर्ल्ड के किसी कोने ची भी, सारी नानक नाम लेवा संगत को मैं गुरु नानक साहब जी के आगमन पर्व से लख लख वधाई देना। और उन्होंने जो सिखी दे सिद्धांत, सिखी नाल नहीं मानवता के सिद्धांत जो दिते सीगे, किरत करो, नाम जपो ते वंड के छको, उन्होंने सारे काम प्रैक्टिकली करके दसे सीगे। ये नहीं सिर्फ एक जी कहता भी आप किरत करिए, उन्होंने अपने अखीरली समय के विच किरत की। उन्होंने तकरीबन 16 साल करतारपुर साहब खेती की, तो उन्होंने दसिया भी अपनी किरत तो बगैर कुछ भी नहीं है। अपने किरत के दसवंध कढ़ के गुरु साहब की सेवा करनिया ने, मानवता की सेवा करनी है। जिहड़ा आदमी, जिहड़ा मानव, जिहड़ा संसार का प्राणी आया होया है,
ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਦੁੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਭੇਜ ਦਿਉ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟੀ ਪਈ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਪਈ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਅੰਦਰ।
प्रगति पई सकले जुगियां
जल तारण गुर नानक आया, कल तारण गुर नानक आया, कल तारण गुर नानक आया। सतगुरु नानक प्रगटया मिटी तुंद जग चानन हो।